स्वयं सहायता समूह और जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के लोन माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, पटना के रेडियो स्टेशन के पास एपवा आईसा और अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी, अपनी मांगों के समर्थन में लगा रहे हैं नारे। पूरे देश में इस लॉकडाउन के दौर में जो गरीब महिलाएं हैं, जिन्होंने समूहों के जरिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए जो लोन लिया है, उस लोन की वसूली शुरू हो गई है। जो आरबीआई का गाइडलाइन था वो 31 अगस्त को ख़त्म हो गया। इस दरमियान भी हम लोगों ने देखा कि महिलाओं से जबरन वसूली हो रही है। महिलाएँ अगर नहीं दे पा रही हैं किस्त तो उनके घर का सामान कुर्क कर लेने की धमकी दी जा रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो हम लोगों का साफ कहना है कि इस लॉकडाउन के दौर में सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को काफ़ी राहतें दी, उनका लोन माफ़ किया, लेकिन जो गरीब महिलाएं जिनके पास इस पूरे दौर में कोई रोज़गार नहीं रहा, आमदनी का कोई साधन नहीं रहा, उनके ऊपर जो ये जबरन उनसे जो लोन वसूली की जा रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। जो छोटे लोन हैं, महिलाओं ने 1 लाख रुपए तक का जो लोन लिया हुआ है, ये लोन माफ़ होना चाहिए। और कम से कम इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान जितने तरह के छोटे लोन हैं, उस लोन पर जो ये ब्याज की किस्त है, ये खत्म होनी चाहिए और महिलाओं को सर। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। ये बहुत खुशी की बात है कि मुझ न्यूज़ अब नेपाल भी आ पहुंचा है और नेपाल की खबरों को भी प्राथमिकता से देखेगा, और ये बड़ा क्रांतिकारी प्रयोग है जिस तरीके से मुझ न्यूज़ ने बिहार में दर्शकों का, अपने पाठकों का दिल जीता है। हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि ये भी नेपाल के भी लोग जो होंगे वो हर पल की खबर से रूबरू होंगे, अवगत होंगे इस मूज न्यूज़ के जरिए, और यहाँ के लोगों का भी दिल ये मूज न्यूज़ जीतेगा। ये स्टार्टअप है, अपने आप में एक नया प्रयोग है और ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल होगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है, यकीन। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।